वेरी गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर देवजीत शर्मा हूँ, इसी संस्थान का निर्देशक। और हमारा ये संस्थान मैंडेटेड है बेसिकली कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन के ऊपर काम करने के लिए। और इसी संस्थान में हम लोग सुरोट के रिसर्च प्रोग्राम के साथ हमारा डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं और ये लोग यहाँ पे MFSC डिसर्टेशन का काम करते हैं, ये लोग PhD प्रोग्राम का काम करते हैं। और हमारा लिंकेज है जैसे कुमार यूनिवर्सिटी के साथ, पन्नगर यूनिवर्सिटी के साथ, हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन के साथ, बनसपली यूनिवर्सिटी के साथ, ऐसा हमारा तमाम यूनिवर्सिटी के साथ हमारा लिंकेज है। और हमारा जो कोलाबोरेशन है उसके द्वारा उसको डिग्रियां मिल जाते हैं और काफी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर रिसर्च करते हैं, स्रोत करते हैं, अच्छा सा पब्लिकेशन करते हैं और अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट। हमारा जो ये संस्थान है ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च एट भीमताल, हम लोग बेसिकली फार्मर्स सेंट्रिक अप्रोच का हिसाब से रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी, हम लोग जो रिसर्च आउटपुट्स थ्रू आवर वेरियस प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमारा इंडियन हिमालयन रिजर्व में जो स्टेट्स है बेसिकली कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, ये सभी स्टेटों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के फार्मर्स को कैसे मिले, उसके लिए हम लोग ये संस्थान का तरफ से प्रयास कर रहे हैं। रेनबो ट्राउट जो एक कोल्ड वाटर मछली है, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़े, हम लोग प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना के तरह कैसे उनका जो लक्ष्य है 50,000 टन रेनबो ट्राउट प्रोडक्शन बाय 2024 कैसे अचीव करें, उसका प्रयास कर रहे हैं, उसका रिसर्च कर रहे हैं। और हम लोग हमारा वैज्ञानिकों द्वारा जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम लोग एक फीड डेवलप किया है रेनबो ट्राउट स्टार्टर और ग्रो आउट फीड, और जिसको यूज करते हुए रेनबो ट्राउट का प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ेगा, उसका सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगा। उसके अलावा ये संस्थान द्वारा रेनबो ट्राउट रेशियोस का जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसका दिशा में काफी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा हूँ, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम कर रहे हैं हर स्टेटों में, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। और हमको जो पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन है, पर प्रोडक्टिविटी है, जो हम लोग 500 केजी से पर रेशियो से हम लोग कैसे 1000 केजी तक, 1 टन तक ले सकते हैं, उसका रिसर्च कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हर फार्मर्स को मिलेगा, ताकि फार्मर्स को जो किसान का प्रोडक्शन है उसका बढ़े, उसका आय दुगुना हो। इस संस्थान का प्रयास है कि हमारा कोल्ड वाटर जो रिसोर्स है, हमारा कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फास्ट एंड वेरी रिसोर्स है, हमारे पास नद नदियां है, लेक्स है, रिजर्वॉयर्स है, कोल्ड वाटर ब्रेकिस वाटर लेक्स है, और इसी सारे एरिया में हमारा फिशरीज एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो। हमारा कुछ कुछ एरिया हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स में है जहां पे फिशरीज एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उसी एरिया को हम लोग कैसे फिशरी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, वहां पे फिश प्रोडक्शन बढ़ेंगे, ताकि उसी प्रोडक्शन के द्वारा वहां का जो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहां का कैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी हो, और उसका प्रयास ये संस्थान द्वारा कर जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो इको टूरिज्म एक सेक्टर है कोल्ड वाटर रीजन में, हमारा जो प्रिस्टीन एनवायरमेंट है, हमारा रिवर्स है, तो इसमें काफी देश विदेशों से पर्यटक आते हैं, वहां पे स्पोर्ट फिशिंग के लिए एंग्लर्स आते हैं और वो लोग यहाँ पे रहते हुए मछली के साथ खेलते हैं, गेम फिशिंग करते हैं और उसी को फिर दोबारा पकड़ते हुए फिर उसमें नदियां में छोड़ते हैं, तो ये एक सस्टेनेबल एक्टिविटी है। और उसका जो विदेश से पर्यटक आते हैं यहाँ पे रहता है उसमें जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको रहने के लिए, खाने के लिए, उसका गाइड के लिए, जो हर तरह से जो एक्सपेंडिचर होता है और उसका बेनिफिट हमारा स्थानीय लोगों को मिलता है, नेटिव लोगों को मिलता है, तो ये भी एक कोल्ड वाटर फिशरीज के जुड़े हुए एक्टिविटी है, फिशरीज एंगलिंग टूरिज्म, इको टूरिज्म, तो इसको भी हमको बढ़ाना है। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड तरफ से हो रहा है अभी तक,
तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक तरीका से कैसे करेंगे उसके ऊपर हमारा शोध हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, और उसको प्रमोशन के लिए भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं ताकि जो हिल एरिया का लोग है उनको काफी बेनिफिट मिले। अनदर सेक्टर है हमारा कंजर्वेशन, जो हमारा देश में काफी सेंचुरीज है, काफी हमारा एरियाज है जिसको हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, और उसी यहाँ पे जो मछली है पर्टिकुलरली महासीर, वो वर्ल्ड फेमस गेम फिश है, उसको टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है, तो उसको उसी मछली को कैसे हम इसको संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, उसका प्रयास भी इसी संस्थान द्वारा हो रहे हैं। तो ये सारे मिलजुल के हमारा अल्टीमेट एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनहेंसमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन इन कोल्ड वाटर रीजन ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन। और इसका विभिन्न प्रयाग है, जैसे हम लोग कई लोग न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोई लोग बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक्वाकल्चर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोई हमको आरएएस का हम लोग ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोई वाटर बजटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट प्रयास है जो फार्मर्स का जो प्रॉब्लम है उसी को हम लोग उसको जान ले और उसी प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग रिसर्च करके उसका जो लाभ है उसको फार्मर तक पहुंचा है। हमारा रिसोर्स को हम कंजर्व करें, रिसोर्स को उसको प्रॉपर्टी यूटिलाइज करें ताकि हमारा पूरा सेक्टर को वृद्धि हो, और जो पीएमएमएसएस का जो हमारा लक्ष्य है जो बाई 2024 22 मिलियन टन हमारा पीस प्रोडक्शन का लक्ष्य है, उसमें कोल्ड वाटर सेक्टर का भी कुछ योगदान हो और काफी हद तक अच्छा तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करें सेक्टर का और सभी फार्मर को, सभी लोगों को इसमें इसका द्वारा बेनिफिट हो, इसका मूल उद्देश्य रखते हुए हम लोग इसी संस्थान द्वारा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, स्रोत कर रहे हैं, और आगे आगे तक हम इसका बेनिफिट बताते रहेंगे सभी लोगों को। जो टेक्नोलॉजीज और जो रिसर्च आउटपुट संस्थानों द्वारा हम लोग करते हैं उसको फार्मर्स तक ले जाना एक बड़ा उद्देश्य है, और उद्देश्य को आगे रखते हुए एनडीयूएटी मस्ती प्लेटफॉर्म आगे आए हैं, और उसका जो अप्रोच है वो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, सराहनीय है, उसका जो अप्रोच है काफी अच्छा है, और उसी अप्रोच के साथ जो टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके फील्ड तक पहुंचेंगे उसका एक बहुत अच्छा प्रयास है। हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं एनडीयूएटी मस्ती प्लेटफॉर्म को, उसका डायरेक्टर को मिस्टर शिव प्रताप सिंह और उसका पूरा टीम को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उसका प्रयास सफल रहे और लैब टू लैंड का जो टेक्नोलॉजी है, लैब टू लैंड तक जो पहुंचाना है उसका तो जो काम है काफी सफल हो, और इसको हम डीसीएफआर की तरफ से कामना करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। थैंक यू सो मच सर।